गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ किया, जिसमें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के क्या क्या टाइप्स है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में दो है, जो कि पहला है मल्टीपल सिक्योरिसिस। मल्टीपल सिक्योरिसिस क्या क्या है? क्रॉनिक डिजीज यूजुअली इन एडल्ट्स। ये मल्टीपल सिक्योरिसिस जो है ये जनरली एडल्ट्स को होता है। नेक्स्ट है मेलिन शटल्स अराउंड द एक्सेंस ऑफ नर्व फाइबर एंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड डिटेरिएटेड। ये जनरली स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है और ब्रेन से रिलेटेड होता है। नो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जनरली क्या होता है कि जो वर्क होता है, मेन वर्क जो होता है वो ब्रेन का होता है, और ब्रेन से ट्रांजेक्शन्स नहीं होने के कारण बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी कोई वर्क नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है जो इफेक्ट करता है बॉडी को। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर में पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ है डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये डिजीज़ है नर्वस सिस्टम का। ट्रोमर मस्क्यूलर रिजिडिटी स्लो इम्प्रेसिव एंड मूवमेंट्स अफेक्ट्स मिडिल एज एंड अर्ली एल्डरली पीपल। ये ज़्यादातर जो है मिडिल एज और एल्डरली पीपल को ही होता है। अ डेफिशिएंसी ऑफ नर्वो ट्रांसमीटर डिपरमेंट्स। ये डेफिशिएंसीज होता है नर्व्स के, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड है। और आप देख सकते हैं कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस है इसके दो पार्ट हैं। हम लोग इसके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो है मेंटल इलनेस। सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग मोड परसेप्शंस ओरिएंटेशंस एंड मेमोरीज। ये जनरली जो मेंटल इलनेस है ये जनरली रिलेट कर सकते हैं हम लोग थिंकिंग से, मूड से, परसेप्शन से, ओरिएंटेशंस और मेमोरीज से रिलेटेड जितनी भी इलनेस है उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इट इम्पेयर्स जजमेंट बिहेवियर कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये दो बीमारी है जिससे मेंटल डिजीज या इलनेस हम लोग कह सकते हैं, जिसको थोड़ा सा दिक्कत होता है मेंटली, जिसको प्रॉब्लम होता है उनको। नेक्स्ट है फोर्थ जो हमारा है वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। इसका मतलब है मोर देन वन स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज, यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज अगर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज है तो वो आ जाएगा मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंडर में। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि डेफ और ब्लाइंडनेस जनरली ये कनेक्टेड होता है। डेफ जो होते हैं उनका साथ साथ वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंडर में आ जाएंगे। फिर है सेरिब्रल पेल्सी ऑफन accompanied by visual impairment, hearing and language impairment। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंडर में क्या क्या आते हैं। आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटीज़ है पर्सन में तो फिर वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंडर में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज तीन पॉइंट देखा जो कि हमारा सारा है, और मैं इसके जितने भी पीडीएफ है मैं सबको आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।